नमस्कार दोस्तों, आप लोग का कन्फ्यूजन था कि टीडी कमीशन बिल कैसे बनाएं, तो अभी फ़िलहाल हम टीडी कमीशन बिल बना रहे हैं। टीडी कमीशन के लिए एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले बात, सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, कितना नंबर का टीडी है वो लिखना पड़ेगा, कितना टीडी हुआ है वो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इस तरह से। उसके बाद फॉर द मंथ, किस महीने का आप टीडी कमीशन क्लेम करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर क्या है, पीआर बुक नंबर क्या है, पीआर नंबर कितना है, नेम ऑफ डिपॉजिटर के जगह पे आप डेट भी लिख सकते हैं या डिपॉजिटर का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पता चलेगा इस महीना जून में खोले कि जुलाई में खोल रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, इसलिए डेट लिखना ज़रूरी रहता है। फिर डिपॉजिट अमाउंट कितना रुपया का फिक्स किया है वो अमाउंट लिखना है, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के फिक्स पे अलग अलग तरह का कमीशन मिलता है। जैसे 1 साल पे 0.5% मिलेगा, 2 साल पे या 3 साल पे 1% मिलता है, डायरेक्ट 5 साल के लिए 2% मिलता है, तो वो इम्पोर्टेंट है लिखना। टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंसेंटिव यही डिसाइड करेगा, टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, यानी 1 साल का है तो 0.5% क्लेम होगा, 1 और 2 और 3 साल का है तो 1% क्लेम होगा, और डायरेक्ट 5 साल का है तो 2% क्लेम होगा। इंसेंटिव अमाउंट, कितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे मान लो 1 लाख का फिक्स है तो 1 लाख का फिक्स किया है 5 साल के लिए, तो उसमें कितना होगा, 2,000 रुपया आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, इंसेंटिव अमाउंट 2,000 लिखा जाएगा। अगर आप 50,000 का फिक्स किए हैं 5 साल के लिए है, तो उस पर क्या है कि आप 1,000 टका क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह है, निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। जैसे 50,000 है, 50,000 का एक साल का निकालना है तो 0.5% इस तरह से निकालना पड़ेगा, जैसे 250 टका निकलेगा। इस तरह से पहले हम अभी अकाउंट नंबर लिखेंगे, और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फिर भी आपको जो पहली बार टीडी कमीशन बिल बनाएगा उसको इस तरह से कन्फ्यूज़न होता ही है कि कैसे बनाना है, इसीलिए प्रैक्टिकली हम आपको बना के दिखा रहे हैं। पीआर नंबर कितना है वो लिख लेंगे, जैसे मान लो हमारा पीआर नंबर है 9, नेम के जगह पे हम डेट लिखेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कौन तारीख को खोले हैं, जैसे 1 जून को हम खोले हैं, 1/6/2024 लिखेंगे। डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 10,000। टर्म्स ऑफ डिपॉजिट क्या है, 5 ईयर्स का किया था, हम कोई भी मैक्सिमम हम 5 ईयर्स का ही करते, 1-2 साल का नहीं करते। जो रेट ऑफ इंसेंटिव कितना है, 2%, यानी कि 10,000 का 2% कितना हुआ, 200 रुपये हमारा क्लेम होगा। उसी तरह दूसरा अकाउंट 02111, पीआर नंबर लिखेंगे, फिर डेट कितना, 1 ही तारीख को दोनों लिख किए थे इसलिए 1/6/2024 करेंगे, यह कितना का था, 12,000 का था, तो यह भी 5 ईयर्स के लिए था, 2% है, तो 12,000 का 2% कितना हुआ, 240 रुपया। उसी तरह दूसरा फिक्स का कब खोले हैं, ये खोले हैं 4/6 को, उसका अकाउंट नंबर हम लिख करके रखे हैं। अगर आप लोग के पास अकाउंट नंबर नहीं मिला है, पासबुक लेट से मिलता है, तो आप वहाँ पे अकाउंट इंक्वायरी में जा कर के, दर्पण में अकाउंट इंक्वायरी में जा कर के आप देख सकते हो। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग को भी पासबुक लेट से मिलता है सब ऑफिस से, हम क्या करते हैं अकाउंट इंक्वायरी में जा कर के जिस डेट को खोले हैं उसी को आगे पीछे करके, उस आगे या तो उसी डेट में अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है, या फिर अगले दिन खोला है अकाउंट, अगले दिन या उसके अगले दिन, जैसे मान लो आज है 1 तारीख, 1 तारीख का अकाउंट खोले हैं, खोल के भेजे हैं बीओ से सब ऑफिस, लेकिन सब ऑफिस वाला 5 तारीख को खोला है, तो 5 तारीख में आपको पता नहीं है, बस ऐसे ही चेक कर दें और डेट बढ़ा बढ़ा के ऐसे मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा है, वो है पीआर नंबर कितना है, 13, पीआर नंबर 13 है, ये खुला है 4/6/2024, अमाउंट है 50,000, ये 5 ईयर्स है।
इसलिए 2% क्लेम होगा डायरेक्ट 1000। उसी तरह दूसरा अकाउंट है 0.2। हम आपको प्राइवेसी में सब कुछ रहता है, पोस्ट ऑफिस का कोई भी इंफॉर्मेशन हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं पब्लिकली, इसलिए हम आपको कुछ कुछ छुपा के इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी पब्लिक का इंफॉर्मेशन हम हाइड एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए आपको बहुत प्राइवेसी के साथ वीडियो बना रहे हैं। फिर इस तरह से हमारा बहुत सारा फिक्स खुला है, तो हम सबका यहाँ पे लिखेंगे, टोटल लगभग 15-16 फिक्स का अकाउंट खुला था, तो सब लिखेंगे, फिर जो है ना टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद फिर कितना क्लेम हुआ है वो भी टोटल करेंगे, कितना अमाउंट का फिक्स हुआ वो भी टोटल करके ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा फिक्स का कैसे क्लेम करना है वो करेंगे, वो आपको हम बैक कैमरा से दिखा देते हैं किस तरह से करना है। इसमें जी जिस जितना जितना ईयर का है उतना उतना ईयर कर देंगे, सब 5 ईयर्स का है तो सब 5 ईयर्स का है। इसके बाद 2% होते हैं तो 2% यहाँ पे लिख देंगे, ये सब चीज़ आपको दिखा सकते हैं लेकिन अकाउंट नंबर नहीं दिखा सकते। उसके बाद 50,000 में 2% मतलब 1000, उसके बाद फिर 50,000 में 1000, फिर 50,000 में 1000, फिर 50,000 में 2% 1000, फिर 50,000 में 2% 1000, फिर 20,000 का 2% 400, फिर 15,000 का 2% 300, फिर 20,000 का 2% 400, फिर 10,000 का 2% 200, 30,000 का 2% 600, 50,000 का 2% 1000, फिर 50,000 का 2% 1000। इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे कितना अमाउंट फिक्स हुआ है, कितना कमीशन बना है, यहाँ पे जोड़ेंगे। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मोबाइल का कैलकुलेटर निकालेंगे, मोबाइल के कैलकुलेटर पे जाकर के इसको जोड़ेंगे, 10,000 प्लस 12,000 क्या वो 50,000 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 7 × 50,000 प्लस फिर है 20,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 10,000, फिर 30,000, फिर 1,000, टोटल हो गया है 5,67,000। यहाँ पे लिखेंगे प्लीज गिव द एक्सेप्टेंस ऑफ इंसेंटिव अमाउंट, यानी कि 11,340 रुपया, इसको सेंटेंस में लिखेंगे, 11,340 रुपीज़। यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अभी सिग्नेचर नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो ना 3 कॉपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक SP के पास जाता है, एक IP के पास जाता है, एक SPM के पास जाता है, इसीलिए हमारा ये अकाउंट हो गया है। दो अकाउंट नहीं लिखे हैं वो हमारे दर्पण मोबाइल में निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा कमीशन भी बनता है, यहाँ पे स्टैम्प देंगे और भेज देंगे SPM के पास, 3 कॉपी ट्रिपलेट में, 1, 2, 3 छोटा जगह सेक्टा हो जाएगा, ठीक है। सब जगह इस तरह से लिख दिया, ये मेरा मेन फॉर्मेट बन गया है। अच्छा डेट लिखना भूल गए, डेट भी लिखेंगे, यहाँ पे डेट होगा तो डेट लिखेंगे आप, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे, आपको बस एक रफ आइडिया देंगे।
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।